हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज जो वीडियो है उसमें हम प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट किया है एंड एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना गाइज, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले 67th बीपीएससी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे कि इसके सारे जो एक्सप्लेनेशन है यहां से ही बहुत क्वेश्चंस जो है ये आपके बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, जो घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम में। मैं सिर्फ बीपीएससी एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, तो इसके जो एक्सप्लेनेशन से ही आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारे मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, आपको इस वीडियो को देखने से पहले पेन पेपर लेके रेडी रहना है ताकि आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। जो भी चीजें आपको आती हैं अच्छी बात है, एंड जो चीजें भी नहीं आती हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेना है, जो आपको एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। आई एम डैम श्योर कि इससे पहले अगर आपने एंशिएंट एंड मेडिवल नहीं भी पढ़ा है, लेकिन इन सारे वीडियोज को, इन दोनों वीडियोज को आपने देख लिया है, तो जो 50% क्वेश्चन होंगे ना इन दोनों पोर्शन से, वो आप कम्प्लीट कवर कर पाओगे इन दोनों वीडियो से ही। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कहां से, मेहर। अब यहां पर मेहरगढ़ से रिलेटेड कुछ चीजें आप नोट करेंगे, जस्ट लाइक कि आपको ऊपर लिखना है मेहरगढ़ एंड इस तरीके से आपको एरो देके जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेहरगढ़ से रिलेटेड आपको वो नोट डाउन कर लेना है। सो 7000 से लेके 5500 ईसा पूर्व के मध्य का जो मानस बसाव क्षेत्र था वो कौन था? ये था मेहरगढ़, जो कि 7000 से लेके 5500 ईसा पूर्व के मध्य का मानस बसाव क्षेत्र था। अब यहाँ पे दूसरा हम देख लेते हैं कि कुछ विद्वान जो है मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व भी मानते हैं, राइट। नवीनतम खोजों के आधार पर उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य जो है ये स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। अब ये काफी बार पूछा जा चुका है लहुरा देव से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य जो है ये वाला जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जो कि लहुरा देव है, राइट। ये आपको स्पेशली आपको नोट डाउन कर लेना है। और 7000 ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं ये भी आपको नोट डाउन यहां पे कर लेना है, और जो टाइम ड्यूरेशन है ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, राइट। अब यहां पर दूसरा हम देख लेते हैं कि मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहां से 7000 से लेके 5500 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। लहुरा देव से क्या मिला है वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अब यहां पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जो ड्यूरेशन है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडेहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहां से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है, माना जाता था। अब ये क्या माना जाता था ये आपने नोट डाउन कर लिया है कि क्या क्या चीजें कहां से मिली है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक क्वेश्चन में आपको चावल और गेहूं के साक्ष्य, ये सारी चीजें तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। गाइस, ये वीडियो सिर्फ बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। अगर आपने इसका शॉर्ट नोट बना लिया तो फार बेटर, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग के नाम से और किस युग को जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग जो है ना, इसको कैल्कोलिथिक युग, कैल्कोलिथिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्यों ऐसा है? जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ 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 ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र
पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो ये जो है ताम्र पाषाण युग जो है ये क्यों कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पेन डाउन कर लेना है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन कितनी बार पूछा जा चुका है। तो ये लाल रंग का जो प्रयोग होता था। अब इसके जो मिट्टी का बर्तन होता था इसके अंदर कौन सा रंग प्रयोग होता था और बाहर कौन सा रंग प्रयोग होता था ये हम देख लेते हैं। व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे कौन, हड़प्पा निवासी, किसका, मिट्टी के बर्तन का। एंड प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालिक चाक का प्रयोग किया जाता था। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में अगर पूछा जाए कि किस टाइप के चाक का प्रयोग किया जाता था, तो ये पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद जो एडवांस आप कह सकते हैं परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा था। ये दोनों चीजें आपको मेमोराइज कर लेनी है। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, दो टाइप के बर्तन होते थे। किसके बेसिस पे, डिजाइन के बेसिस पे। अब ये क्या है, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा और दूसरे चित्रित मृदु भांड होते थे जिसपे बाहर से आपको चित्र बनाया जाता था। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मिट्टी जो जो ये बर्तन बनते थे उसमें रेत का मिश्रण किया जाता था। अब ये रेत का मिश्रण क्यों किया जाता था, क्योंकि इनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। और इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और अंदर के हिस्सों में, निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अब सॉरी, यहाँ पे आपको देखना है कि इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्से में, जैसे ये जो पॉट है इसके ऊपरी हिस्सों में क्या होता था, लाल रंग की पुताई होती थी। एंड नीचे के जो हिस्से होते थे ये काले रंग के होते थे और यहाँ पे क्या होते थे, ये चित्र अंकित किए जाते थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सिंधु इससे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। तो ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देख लीजिए। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो है ना वो प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक कालखंड क्या होता है, तो ये लेखन कला का ज्ञान जब नहीं था तो उस कालखंड को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। अब भारतीय इतिहास में 2500 BC से लेके 600 BC तक का कालखंड जो है ये आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, मतलब क्या, तो आपको ये देख लेना है अगर 2500 से लेके 600 BC तक जो है ये आद्य ऐतिहासिक माना जाता है, और इसमें भी सैंधव सभ्यता जो है ये किस काल में आता है, तो ये आता है आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि यहाँ लेखन कला का ज्ञान होता है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब जो आपने यहाँ पे देखा है कि प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें लेखन कला का ज्ञान किसी को नहीं होता था। अब यहाँ पे जो आद्य ऐतिहासिक काल है जो कि 2500 BC से लेके कितने तक है फ्रेंड्स, 600 BC तक है, इसमें लेखन कला का ज्ञान तो होता था लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, नहीं, क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका डिफरेंट हो सकता है लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये है पक्की ईंटों से बनी इमारत। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है ये नगर नियोजन को माना जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे, पक्की ईंट की बनी इमारतें भी थे, और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो है वो था, अन्नागार भी प्रमुख है। तो क्या क्या प्रमुख है, आपको क्या क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता आपको हेडिंग देना है और उसके नीचे 1.2 करके जो भी चीजें हैं वो आपको नोट डाउन कर लेनी है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार जो है ये भी किसमें था, सिंधु घाटी सभ्यता में था, और नगर नियोजन जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, और साथ ही साथ पक्की ईंट से बनी इमारत भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है।
इनकी सतह पक्की ईंटों की होती थी जिसमें जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। किसका? मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है और अन्नागार है, ये इसकी जो सतह है ये पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम और मोर्टार यूज किया गया है इसको जोड़ने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो ये है लोथल। अब लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है ये। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो लोथल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और हड़प्पा कालीन बंदरगाह जो है इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। और बनावली कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कौन सा? बनावली। और यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। अब यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पेन डाउन करना चाहिए यहाँ पे है कि खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल जो है ये गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। और ये यहाँ पे देखिए लोथल जो है ये खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है, राइट। अब यहां से देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, राइट। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो जो भी मिला है जहां से भी मिला है वो आपको एक कॉलम बना लेना है, सीक्वेंस वाइज आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक मिली है प्रतिकृति मिली है, राइट। तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से। और फिर आपको ये टेराकोटा का भी यहाँ से पूछा गया है तो वो बनावली से। अब पक्की मिट्टी और टेराकोटा में से कुछ एक भी पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों जो है एक ही और कहाँ से मिला है? हरियाणा के फतेहाबाद से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें संबंधित कौन नहीं थे? आरडी बनर्जी जो है ये थे, के एन दीक्षित भी थे एंड एमएस वत्स भी जो है ये थे। तो कौन नहीं था? वी ए स्मिथ जो है ये नहीं थे। अब यहाँ पे ज्यादा चीजें आपको नहीं देखनी है, यहाँ पे बस देख लीजिए कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो सर्वप्रथम 1922 में किसने करी थी? तो ये करी थी आपको रखालदास बनर्जी ने। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि कुछ अन्य विद्वान हैं जिनका नाम आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। फिर जो ऑप्शन था वी ए स्मिथ जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, तो किस खोज से संबंधित थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, मतलब भारतविद और इतिहासकार जनरली इस चीज से ये संबंधित थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का। गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें काफी होंगे, लेकिन यहाँ से आपके बहुत सारी चीजें कवर होने वाली हैं। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि आप बोगज कोई ये वर्ड, इस वर्ड का महत्व किस लिए है? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सो मुझे हर बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है, कौन से ईयर में आया है। अब ये एशिया माइनर, अगर आपको दोनों में से कोई भी चीज दिया जाता है, बुगज कोई या एशिया माइनर, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि 14th शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं, कहाँ से? बुगज कोई से, एशिया माइनर से।
इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनमें नाम आर्यों जैसे थे, जिनके नाम जो है वो आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे, राइट। अगर फिर आपको ये पूछा जाए कि कहाँ से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ये ईरान से होकर ही भारत आए होंगे, तो आपको क्या बताना है, बुगज कोई के साक्ष्य से जो चीज, ये सब जो चीजें हैं ये आपको साक्ष्य प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? जस्ट अ मिनट। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये दशराग्य युद्ध भी इसको कहा जाता है, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध। अब ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया, जो कि वर्तमान में कहाँ है, ये है रावी नदी के तट पर। अगर ये पुरुषनी नदी और रावी नदी दोनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन में रह सकता है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ चीजें आप यहाँ पर जान लीजिए। भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। तो किसने किसको हराया था? भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। अब इस संघ में आर्यों के प्रमुख जो हैं, जो संघ 10 का संघ था, वो इसमें प्रमुख कौन था? तो ये जन अनु, दुह, यदु, पुरु और तुवरसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह था, जिसको किसने हराया था? भरतों के राजा सुदास ने हराया था, राइट। अब जिसके पुरोहित, ये जो 10 राजाओं का जो संघ था उसके पुरोहित कौन थे? तो ये थे विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल? अब जो भी वेद हैं, चाहे वो सोमवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद, किसी की भी बात कर लो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है, कहीं भी आपको देखने को मिले तो। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये समर्पित है नौवां मंडल। अब नौवां मंडल जो है इसके सारे के सारे 114 मंत्र जो है ना, ये सोम को समर्पित है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने मंत्र हैं, तो 114 मंत्र हैं, किसमें? नौवें मंडल में, जो कि सोम को समर्पित है। सोम क्या है? तो ये सोम जो है ये आर्यों का मुख्य पेयजल था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10 मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, और 10वें मंडल में क्या है? चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, और नौवे मंडल में ऑलरेडी आपने देख रखा है कि किस चीज से रिलेटेड है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पे, तो रिपीट बस इतना ही है कि क्वेश्चन वैसा ही है, कुछ आपसे घुमा के पूछ दिया गया किसको समर्पित था वो पूछा गया। अब यहाँ पे है कि किसको पूर्णतः समर्पित है, कौन से देवी देवता को या किसी भी चीज को आपको बताना है। सोम और इस पेय का नामांकित देवता, मतलब सोम से रिलेटेड ही है आपका, तो वी हैव राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका वर्णन जो है ना ये ऋग्वेद में मिलता है, और चारों वेदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलता है 10वें, किसमें आपको मिलता है? आपने यहाँ पे देखा है कि 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये है विश्वामित्र। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। तृतीय मंडल में क्या है? यह मंत्र जो है ये वर्णित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? तो ये किया गया था वैशेषिक के द्वारा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है ये अणु से हुआ था, और महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे, राइट। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अगेन आपका कुंडल ग्राम में। अब ऑलरेडी बौद्ध धर्म और जैन धर्म कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ऑलरेडी, कितने सारे इयर्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस ये पूछे जा चुके हैं। अब महावीर का जन्म जो है ना ये
कुंडलपुर बोल दीजिए या फिर कुंडलग्राम बोल दीजिए, जो कि वैशाली के निकट है। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं आपको 540 भी मिलेगा, लेकिन अब जो एनसीईआरटी की बुक्स आ रही है उसमें 599 ही आपको मिलेगा। तो अगर 599 ऑप्शन में नहीं है तो 540 को ही आपको राइट टिक करना है। एंड अगर 599 है तो यू हैव टू टिक 599। यहाँ पे देख लीजिए कि महावीर, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है जो जो आपको देखना हो, एक्सेप्ट कि उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तथा पिता जो थे सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण, ये वही है 540 जो है वो पहले के एनसीईआरटीज में ये बुक, ये जो डेट है वो दिया गया था। अब जो है ये 599 दिया गया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। अब 599 में इनका जन्म हुआ था, राइट। और 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। कब किया था? तो 527 ईस्वी में किया था। उनके पिता सिद्धार्थ जो थे, ये कौन से क्षत्रिय संघ के प्रधान थे? ये ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है ये कौन था? तो ये था जमाली। अब जमाली जो है, सबसे पहले तो भगवान महावीर का जन्म हमने देख लिया है, कौन से वंश में हुआ था ये हमने देख लिया है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उनसे उत्पन्न हुई थी। तो उनकी पुत्री का नाम अगर पूछा जाए तो प्रियदर्शना था। और जमाली जो था ना, ये इनका दामाद था। प्रियदर्शना का हस्बैंड था जो जमाली था, जो कि इनका फर्स्ट शिष्य हुआ था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरथवाद नामक एक नया संप्रदाय, उनको उन्होंने क्या किया, एक नया संप्रदाय शुरू कर दिया, राइट। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है निम्न प्रकार के थे। तो इनके जो 11 अन्य शिष्य थे जिनको क्या कहा जाता है, गंधर कहा जाता है। तो गंधर जो थे ये, इनके जो नाम है वो आप देख लीजिए, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ठीक है। ये तीनों क्या थे? ये भाई थे। इंद्रभूति, अग्निभूति एंड वायुभूति जो थे ये भाई थे। तो ये आप नाम से भी इटसेल्फ आप देख सकते हो। आर्य व्यक्त जो सुधमर्ण, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मात्रेय तथा प्रभास, ये जो आगे के नाम है ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यहाँ पर जो भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व एंड 14 उपपूर्व, इसमें से कौन सा है जो पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ जो है ये है 14 पूर्व, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, राइट। अंतिम जो है ये नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, राइट। ये संभूत विजय जो है और भद्रबाहु, ये अंतिम नंद राजा के समय अध्यक्ष थे। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। सो इसलिए आपको ये दोनों नाम जो है ये नोट डाउन कर लेना है। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, राइट। अब प्रथम जैन सभा ये सब कब हुआ था? ऑलरेडी इससे पहले हमने काफी सारे जीएस से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड वीडियोस कवर कर रखे हैं। आप उसमें जाके इन सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो हमारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद टॉपिक वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोलो या फिर एक नोट्स बोलो, हैंड रिटन नोट्स बोलो, वो मैं आपके पास लेके आऊंगी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ में। अब 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए थे। तो
तो कौन से एज में बुद्ध कहलाए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये आपने यहाँ पे देख लिया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन, वर्तमान में सारनाथ। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सारनाथ का जो प्रीवियस नाम है ये क्या है, तो ऋषि पतन आप बोल सकते हैं। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो उसी फर्स्ट उपदेश जो उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था, उसको क्या कहा जाता है गाइस, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश जो है ये दुख, दुख के कारणों का अंत, ठीक है, या फिर दुखों का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, राइट। तो 4 आर्य सत्य जो है ये किसको कहा जाता है, जो इनका फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन था उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, ये हम देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और महापरिनिर्वाण जो है वो कब हुआ था, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था कुशीनगर में, राइट। अब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये कब दिया था, ये कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ऑलरेडी हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में इसको देख चुके हैं। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोशल राज्य गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कोशल राज्य में। कोशल नरेश प्रसेनजीत, अब उस वक्त ये भी पूछा जा सकता है कि जब इन्होंने अपने उपदेश का प्रचार प्रसार किया था तो उस वक्त कोशल के राजा कौन थे, तो ये थे प्रसेनजीत, राइट। इन्होंने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा तक पहुंचे थे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है ये, इतना ज्यादा एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम याद रखने में कुछ भी नहीं जाता है, आप नोट डाउन कर लेंगे। उसने बुद्ध को सूकर मद खाने को दिया था, राइट। अब ये क्या होता है ये मुझसे मत पूछ लेना, बिल्कुल नहीं पता है मुझे। आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, कुशीनगर जिसको कहा जाता था, मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे थे। यहाँ पे 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो सबसे पहले तो महापरिनिर्वाण कहा ही किसको जाता है, तो गौतम बुद्ध के शरीर त्याग की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो ये पुस्तक है आपको बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हमने देख लिया 483 में, 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आपको देखना है कि 3 भागों में इनकी शिक्षाओं का जो संकलित किया गया था वो 3 भागों में किया गया था, 3 भागों में जनरली बांटा गया था। अब ये इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। तो त्रिपिटक से आपसे क्वेश्चन आता है, तो ये कौन कौन है, ये विनय पिटक है, ये फिर दूसरा है आपका सुत्त पिटक, एंड थर्ड वन है अभिधम्य पिटक। अब आपसे यह भी पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या है, सुत्त में क्या है, एंड अभिधम्य में क्या है, तो ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं जो है ना, ये किस में है, ये है विनय पिटक में। फिर जो वचन थे महात्मा बुद्ध के वो किस में है, वो है सुत्त पिटक में। और दार्शनिक सिद्धांत से रिलेटेड है अभिधम्य पिटक। तो आई होप ये तीनों का तीनों आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये तीनों के तीनों जो संबंधित है ना आपको, ये है आपको जैन धर्म, ईसाई धर्म से तो नहीं होगा, ये आपको ऐसे ही खत्म कर देना है। और यहाँ पे एलिमिनेशन करके आप ये ऑप्शन भी काट सकते हैं। तो या तो जैन धर्म से होगा आपके मन में आएगा, या तो बौद्ध धर्म से होगा, तो ये है जैन धर्म से रिलेटेड। और हाल ही फिलहाल ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। अब ये
जो साधन है जो आवश्यक बताए गए हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये है सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। ये तीनों जो है ये किसके लिए जरूरी बताए गए हैं? जो एसेंशियल पार्ट है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिरत्न की संज्ञा जो है ये किस धर्म में दी गई है, तो जैन धर्म में ही दी गई है। किसको किसको त्रिरत्न की संज्ञा में आप काउंट कर सकते हैं? तो वी हैव राइट आंसर इज हियर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने हैं। अहिंसा जैन धर्म में सामान्य है या नहीं है? हो सकता है आपको, क्योंकि अहिंसा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही ये समान था। वेदों के प्रति उदासीनता जो है ये भी आपको देखने को दोनों के दोनों धर्म में ही मिला था। आत्मदहन जो है ये जो प्रोसेस है ये समान नहीं है। रीति व रिवाजों की अस्वीकृति जो है ये भी जैन धर्म में थी। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी जो थे इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। राइट, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है ये आपको बताना है, तो पंचम पीढ़ी का है। राइट, इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वर्तमान में जो वृक्ष हम देख रहे हैं ना वो पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है। राइट, और जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आप मुझे बताइए ये पुरातत्ववेत्ता है या क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ये नाम काफी बार हम अपने वीडियोज में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार दिया गया है। आप जो वो जो लोहे से घेरा गया है वो जो सेल है उसके अंदर आप नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ जो पत्तियां गिर जाती हैं आप उसको ही उठा सकते हो। राइट, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये बिहार सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें दी गई हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। राइट, तो यहाँ पे क्या है, आपको ऑप्शन में तृतीय चतुर्थ पंचम ही दिया गया था। अगर छठी पीढ़ी भी रहे तो आपको पंचम पीढ़ी ना देके छठी पीढ़ी रहे, या पंचम पीढ़ी और छठी पीढ़ी अगर रहे तो आपको छठी पीढ़ी ही काउंट करके आना है, टिक करके आना है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे पंचम पीढ़ी का बताया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार सरकार जो है ना ये क्या करती है, हर बार आप बीपीएससी के एग्जाम में देखते हो कि तीन चार क्वेश्चंस ऐसे आते ही आते हैं जो हर एक जगह आंसर क्या दिया हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार सरकार अपनी डिक्शनरी को ही फॉलो करती है, तो अगर यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि बिहार सरकार की वेबसाइट पे पंचम पीढ़ी बताया गया है तो डेफिनेटली आपको ये पंचम पीढ़ी ही टिक करके आना है। राइट, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकों ने। अब इससे रिलेटेड बराबर की गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हम देख लेते हैं। ये मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाया गया था। राइट, कला का पूर्ण विकास भी हुआ था यहाँ पे। अब ये किसके टाइम में बनाया गया था? अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा भी सर्वप्रसिद्ध थी, क्योंकि बारिश के टाइम में इनके पास रहने के लिए जगह नहीं होते थे, तो इसलिए ये आजीविकों के लिए मेन यही था कि आवास बनाए गए थे। कहाँ पे? तो बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर जो है ये आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे, जिसमें सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर नामक जो गुफा है वो सर्वप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मक्खली गोसाल से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे नोट डाउन आप कर लीजिए कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था कि शिष्यता का त्याग करके आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कर दी थी।
तो फिर क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है गाइस कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे, राइट? और ये पहले शिष्य किसके थे? तो ये थे महावीर के शिष्य थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, राइट? मत किस क्या कहा जाता है? नियतिवाद कहा जाता है। बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म से रिलेटेड टर्म्स जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा बनते हैं। सो इन सारे के सारे टर्म्स को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको सारे के सारे नोट कर लेने हैं। जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जो है ये भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। इनका मानना था कि जितनी भी वस्तु है ये भाग्य के द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे ये थे उदयीन। अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे देख लीजिए कि अजात शत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयीन, राइट? गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला, जो संगम नदी पर एक किला बनाकर की थी, राइट? किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना इन्होंने क्या करी थी? गंगा एंड सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर करी थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम क्या है, आपसे यह भी पूछा जाता है कि ये किसके पुत्र थे, तो अजात शत्रु के पुत्र थे। सेकंड जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। तो पाटलिपुत्र जो है ये किसकी राजधानी रही है? तो शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम, सॉरी, पाटलिपुत्र जो है नहीं, यहाँ पे ये होना चाहिए कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? तो ये किया गया था उदयन द्वारा। आपको मैंने यहाँ पे बताया, हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र, उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। एक किला बनाकर किया था इन्होंने। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। तो कहाँ से करी थी? राजगृह से पाटलिपुत्र करी थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने। अगेन आप देखिए, ये ही सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि इसके एक्सप्लेनेशन से इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, कि आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होने वाला है। ये 1-2 घंटे जितने देर का भी वीडियो हो, ये अफसोस नहीं होने वाला है आपको कि इतना टाइम हमने क्यों लगाया या फिर जो भी है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे, राइट? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अगेन राजगृह गिरिव्रज। राजगृह को ही गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था, राइट? अब आप ये मत बोल देना राजगृह में जाके कि मैं गिरिव्रज में आया हूँ। लोग सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये गिरिव्रज किसको बोलते हैं, राइट? यहाँ जो इसका एक्सप्लेनेशन है गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन था? तो ये था बृहद्रथ वंश, राइट? अब इस वंश के पहले का राजा बृहद्रथ जो था, ये पुत्र जरासंघ, इसका पुत्र कौन था? जरासंघ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जरासंघ जो है ये किसका पुत्र था, जिसने राजगृह जो है ये गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बृहद्रथ और गिरिव्रज, ये नाम से रिलेटेड आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो है ये बिम्बिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है। इसके पश्चात अजात शत्रु मगध का शासक हुआ था। तो किसके बाद? बिम्बिसार के बाद अजात शत्रु जो है ये इसका शासक हुआ था। कहाँ पे, किस वंश का? तो
ये हर्यक वंश का, राइट। अजात शत्रु के पुत्र उदयीन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। तो उदयीन जो था ये अजात शत्रु का पुत्र था जिसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अजात शत्रु किस वंश के, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, तो ये हर्यक वंश ही इसका, यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये एक्सप्लेनेशन में देख चुका है आपने। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो अजात शत्रु है इनका शासन काल क्या था, इन्होंने क्या किया था, अपने जो पिता थे हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, तो इनकी हत्या कर दी थी। अब बिंबिसार की हत्या करके जो राजगद्दी पर बैठा तो कौन बैठा, अजात शत्रु बैठा, और फिर अजात शत्रु की हत्या कर दी करके राजगद्दी पे कौन बैठा, तो उनका पुत्र बैठा उदयीन, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, राइट। तो ये की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा फ्लू टार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंड्रोकोट्स किस के नाम से कौन जाने जाते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते थे। और किसने वर्णित किया था इनको इस नाम से, तो ये किया था एरियन तथा फ्लू टार्क ने, राइट। जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट से उल्लेख किया था। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि सेंड्रोकोट्स के नाम से और सिकंदर महान के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को किस ये जो नाम है ये किसने भेंट किया था, तो ये किया था जस्टिन ने। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखना है जो कि एरियन एंड प्लू टार्क के द्वारा दिया गया था और जस्टिन के द्वारा दिया गया था। एरियन एंड प्लू टार्क के द्वारा क्या दिया गया था, एंड्रोकोट्स, एंड जस्टिन के द्वारा क्या दिया गया था, सेंड्रोकोट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। ऑलरेडी ये क्वेश्चन यूपी, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ बीपीएससी में ही क्वेश्चन नहीं आया है, और भी बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो है ये अंग्रेजी विद्वान थे, इन्होंने अशोक के लेखों को जो ब्राह्मी लिपि में लिखित है, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामप्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्त से कर डाली। अब इन्होंने क्या किया कि जो अशोक की एक लिपि है देवनामप्रिय की, इन्होंने इसकी पहचान सिंघल के राजा तिस्त से कर डाली थी, राइट। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी, राइट। अंततः 1915 में मास्की जो कि कर्नाटक में है, यहां से प्राप्त लेख में यह अशोक के नाम भी पढ़ लिया गया, राइट।